माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार, बस ज़रा सा नमक डलेगा, नमक की ज़रा सी कमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी अपनी होस्ट और आपका अपना चैनल, जिसमें मैं आपको रोज़ाना की तरह आज भी कहूँगी वेलकम, और फूलों की तरह मुस्कराते रहें, हंसते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, खुशियाँ आपके इर्द गिर्द घेवारा बन जाएं, आमीन सुम आमीन। यही है मेरी दुआ आप सबके लिए। और व्यूअर्स, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है हर रोज़ की तरह। वीडियो के साथ जुड़े रहना, स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं करना, वीडियो के साथ जुड़े रहें, बने रहें। अगर आप मेरी ये रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वीडियो के साथ साथ ही रहिएगा साढ़े नालों नाल। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो भी बड़ी अच्छी होने वाली है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेरी वीडियो का अगर नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वसूल हो। और आप वीडियो वॉच करके क्या करें, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो व्यूअर्स, वीडियो बड़ी अच्छी है। तो भाई ये क्या आज मैं बना रही हूँ व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ मुर्गी की गर्दनें और साथ में आलू। तो आलू को वॉश करते हैं। इनकी मिट्टी मैंने पहले उतार ली है, अब अच्छी तरह आलूओं को वॉश करते हैं। चार अदद मैंने आलू लिए, किलो में से बस मैंने ये चार बड़े बड़े लिए हैं, तीन छोटे साइज़ के आलू मैंने छोड़ दिए हैं, इनको कर लिया मैंने वॉश। अब इनको छील के भी पानी में डिप कर लेंगे कटिंग करके। तो किलो, एक किलो मुर्गी की गर्दनें ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये मैंने धो के वॉश करके फ्रीज़र की हुई थी, और अब इनको निकाल लिया। दो अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। साथ में मैंने तीन अदद प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, इनको भी कटिंग कर लिया है। ये अज्जा हमें चाहिए होंगे, साथ में लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो मैंने चट्टू वट्टे में कूट लिया है, क्योंकि व्यूअर्स मेरी हो गई डबल मशीन ब्लेड ख़राब, डबल ब्लेड मशीन ख़राब हो गई है व्यूअर्स, और इसीलिए मुझे अब चट्टू वट्टे का दोबारा से इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बहुत ईजी थी मेरी हांडियाँ बननी, क्योंकि उसमें चॉप हो जाता था, प्याज भी, टमाटर भी, लहसुन अदरक सब चीज़ें चॉप हो जाती थी। अब उसको मैं मार्केट भेजूंगी और दोबारा से ठीक करवाऊंगी, और ज़रा मसला हुआ हुआ मेरे लिए। तो अब आपको पता लग गया ना कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मैंने आपको बता दिया। सिर्फ लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, प्याज और टमाटर, फ़िलहाल ये चीज़ें रेडी हैं मेरे पास। साथ साथ हांडी बनाते जाते हैं और साथ साथ आपको बताते जाते हैं, साथ ही हम आलू की कटिंग करके इनको भी पानी में डिप कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप भी मेरी बातों पे हंसते ही होंगे लोट पोट होके, क्योंकि लफ्ज़ कभी गलत और कभी मैं सही बोलती हूँ। तो चलें व्यूअर्स, अब करते हैं तैयार। इसके लिए हमें चाहिए होगी कोई देश की या कढ़ाई, तो मैं अपनी वही कढ़ाई लूँगी, प्यारी सी खूबसूरत छोटी सी मेरी कढ़ाई। उसको वॉश करते हैं और चूल्हे पर चढ़ाते हैं। कढ़ाई मैंने ले लिया, वॉश कर लिया व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, इसको चढ़ा दिया मैंने चूल्हे के ऊपर, और मैं अब कर दूँगी आँच ऑन। तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस भी आ रही है व्यूअर्स। अब इसमें क्या जाएगा, हर रोज़ की तरह हम इसमें शामिल करेंगे घी। व्यूअर्स, चिकन आलू तो आपने सुना होगा, तो गर्दने और आलू तो आप फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा, और मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। मैंने कहा चलें मज़े का बनता है इसका सूप गर्दनों का, तो चलें आज इसमें आलू भी शामिल कर लेते हैं। तो घी मैंने डाल दिया है, और इसमें पानी था तो साथ ही प्याज डाल देंगे, ताकि ये छिट्टे ना मारने लपड़े। तो कढ़ाई वॉश की थी ना, तो पानी था इसके अंदर। तो अब प्याज सा सा ब्राउन करते हैं, पहले आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं, बड़ा ही प्यारा मौसम हुआ हुआ है, ये देखें बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है, जैसे ना ऐसे लग रहा है जैसे कि बारिश आएगी, बारिश वाला मौसम लग रहा है। वैसे मेरे किचन से बाहर का व्यू बहुत प्यारा लगता है व्यूअर्स मुझे, मैं सासा भाई भी देखती रहती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ, इंजॉय भी कर रही होती हूँ, सासा कुकिंग कर रही होती हूँ। अगर मैं प्याज ना डालती तो व्यूअर्स घी ने छिट्टे उड़ानी थी और मुझे जला देना था, इसीलिए मैंने टाइम ज़ाया किए बगैर घी में प्याज डाल दिया। और अब इसको ब्राउन करने के बाद मिलते हैं प्याज को, वैसे ही पकाएंगे जैसे हम चिकन पकाते हैं, सेम टू सेम वैसे ही हम आज अपनी हांडी रेडी करेंगे। वीडियो के साथ बने रहे, जुड़े रहे, कहीं ना जाएगा। मगरिब अज़ान हो रही है तो इसको गौर से सुनेंगे, चुप करके और म्यूट कर देंगे फ़ोन को। प्याज को थोड़ा सा नहाएंगे, घी तो लगता ज़्यादा ही डाल लिया मैंने, आलू भी मैं छील रही हूँ साथ साथ,
तो व्यूअर्स ये मेरा कटर है जिसे मैं छीलती हूँ, टूट गया हुआ इसके अंदर था वो दूसरा वाला भी। आप देख, आपको पता ही होगा ये 20 का मैंने लिया था, बड़ा ज़बरदस्त है, इससे आलू की कटिंग बड़ी अच्छी होती है। छिलके उतारने के लिए मैंने इसको फेंका नहीं, ये मेरा यूज़ टू है तो वो बड़ा काम देता है, तो इसको मैं अभी भी इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास न्यू भी पड़ा हुआ है मेरे सेट के साथ, कटर जो सेट होता है, पर मुझे ये मेरे यूज़ टू है तो इसलिए मैं इजी मुझे रहता है, तो इसको मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, इसको मैंने अभी तक फेंका नहीं है। आलू छील के कटिंग करने के बाद मिलते हैं फिर आपसे। आलुओं को भी मैंने छील के काट के तो अब डिप कर दिया पानी में, व्यूअर्स आप देख सकते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया हुआ है पहले से ही, इसको थोड़ा सा और हम कूट लेते हैं डंडे के साथ। व्यूअर्स आपको ये पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है चट्टू बट्टा, इसमें बड़ा मज़ा आता है इसका पेस्ट बनाने का। व्यूअर्स प्याज हो गया, अब शामिल कर देते हैं मुर्गी की गर्दने। बर्तन लग रहा है छोटा, तो इसको कढ़ाई से हम निकालते हैं पतीले में और फिर बनाते हैं हांडी। बर्तन छोटा है हमारा भी, बस अभी आलू भी जाने हैं तो बहुत छोटा बर्तन है, कढ़ाई छोटी थी भी, बस अब इसको वॉश कर लेंगे। और पतीले में मैंने निकाल लिया, इतना बड़ा पतीला नहीं है, नॉर्मल मेरी ये पतीली है जिसमें मैंने अब निकाल लिया। देश के में डाल के पकाएंगे, कढ़ाई को धो के वॉश करके रख देते हैं। बहुत गर्म कढ़ाई थी इसने मेरा हाथ जला दिया अभी, बस आप ध्यान से काम करिएगा, मुझे पता ही लगा मैंने पकड़ लिया तो मेरा हाथ जल गया। बस शामिल कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट हांडी में, क्योंकि हमारी गर्दनों में से जो स्मेल आ रही है ना, वो फिर उसकी स्मेल ना, महक जो इसकी उड़ रही है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। सब शामिल कर देते हैं पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं आप कि पेस्ट मैंने कर दिया है शामिल, और अब इसकी बुनाई करते हैं हम अच्छी तरह से चमचा चला चला के। देख सकते हैं व्यूअर्स, अब जाएंगे टमाटर, गर्दनों की बड़ी अच्छी तरह से कर लिया बुनाई व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं। टमाटर भी शामिल करनी है, और टमाटरों के साथ ही हम ये सारा मसाला शामिल कर देंगे जो ये मैंने निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू पानी में से निकाल के आलू भी शामिल करते हैं हांडी में। अब शामिल कर देंगे व्यूअर्स हम पानी हांडी में, पानी शामिल कर दिया, अब ढक्कन देकर इसको पकाएंगे हम, पकने पे छोड़ देंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं धनिया, धनिया के पत्ते तोड़कर, तो पानी से धोकर तो रख लेते हैं, लास्ट पे हांडी पे गार्निश कर देंगे हम अपनी। इसको रेडी करने के बाद मिलते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हांडी हो गई हमारी तैयार, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खड़ा आ गया ढक्कन का। अब इसके ऊपर गार्निश कर देंगे हम धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स कितनी प्यारी कितनी मज़ेदार सी हमारी हांडी हो गई रेडी। तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रही तो फिर होगी मुलाकातें, वो कैसे होंगी, चैनल सब्सक्राइब करने से होंगी, जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले दिनों में होती रहे हमारी मुलाकातें। और व्यूअर्स अल्लाह ताला भी आपको और मुझे दुनिया जहाँ के खुशियों से माला माल करे, जान मात उतरत में बरकत अता फरमाए और अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला भी आपको और मुझे हमेशा वही ना क्या कहते हैं रहमत की निगाह से देखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ास करम करे, रहम करे और अपना फ़जल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, माशाल्लाह व्यूअर्स देखिए कितना मज़े का साल और साथ है तंदूर की गरम गरम रोटी, और खाकर बताती हैं ये कैसा बना है, किस तरह का कैसा सालन बना है माशाल्लाह से। बहुत गर्म है अभी,
बहुत मज़ेदार, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, टेस्टफुल।